गाइस मैंने 3 रोटी खाया, चाय, माय बैड, वो मंडवा की रोटी थी, कंडाली की साग थी। गाइस चेक दिस आउट, हमने शुरू करा था 8:30 या 9 बजे के आसपास सुबह हमने शुरू करा था और हम 5 बजे तक पहुंच गए यहाँ पर। एंड जहाँ पर अभी हम स्टे कर रहे हैं वो आप चेक करें, तो ये प्लेस है और इस घर में हम स्टे कर रहे हैं। कि जो यहाँ से वो अपने होकर शॉर्ट्स देख लेते हैं अपने, और ये चेक करो, यहाँ से आगे ग्लेशियर शुरू होता है। तो गाइस ये है ब्रेकफास्ट, ये है कंडाली की सब्जी, कंडाली पनीर रोटी और ये छाछ है, और वो छोटा भाई हमें देख रहे हैं वहाँ पे, और अभी हम ब्रेकफास्ट शुरू कर रहे हैं। और कंडाली वही है जिसे हम कहते हैं बिच्छू घास बोलते हैं ना, बिच्छू जिसमें कांटा चुपता है, वो खुजली बचती है। ये सारा मेरे यहाँ का भाई लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट चल रही है, और हम सोच रहे कि हम रूम पर जाएंगे, यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। और यहाँ पर हम खाएंगे नाश्ता। दी बॉयज ना, मैं रोटी नहीं खा रहा। चलो गाइस आज का ट्रैक शुरू हो चुका है, आज हम जा रहे हैं ओसला से हर की दून, एंड थोड़ा लंबा है बट है कि चलेंगे आराम से। और आज धूप बहुत है तो हम शॉर्ट्स में, टी शर्ट्स में, अभी गॉगल्स निकालने, सन ग्लासेस फिर वो भी पहनेंगे, बाकी अभी सब रेडी है, सामान ऑलमोस्ट पैक्ड है, अभी निकलते बस। ओसला विलेज में भी कम से कम 200+ फैमिलीज हैं यहाँ पर, और ये यहाँ का मंदिर है, चेक करें आप। पूरा स्नो कवर्ड है यहाँ तो थोड़ा बहुत है, बट हम उस तरफ जाएंगे जहाँ से हमें पूरा व्यू मिलेगा स्नो का, स्नो कवर्ड माउंटेन्स का। हेलो, चलो जी निकल रही हूँ, चलो अब चलते। तो वो चेक करो गाइस, अब ऊपर तो पूरा स्नो कोट, पूरा माउंटेन है, उसे जो पानी आ रहा है ना वो एक वाटरफॉल उधर प्यारा सा है, बहुत प्यारा सा झरना, और नीचे नदी, और जो हमारा ट्रेल है वो पूरा यहाँ से है, और यहाँ से हमें आगे तक दिख रहा है पूरा साइडवेज पूरा नदी के बगल बगल से पूरा रास्ता जा रहा है आगे तक, पूरा इस वैली में हमें ट्रैवल करना है, तो लंबा रास्ता है, पता है क्या कॉल द क्वीन। ये चेक करो गाइस, अति सुंदर। और अब जाके थोड़ा बूंदे भी शुरू हो चुके हैं हल्के, ड्रिजलिंग भी नहीं हो रहा अभी तो, मतलब हल्का फुल्का बूंदे ही आ रहे बस थोड़े बहुत। गाइस ये चेक करो, ये पहाड़ बहुत ऊपर तक चढ़ना है। हियर फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, पानी भर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर हमने कुछ बॉइल्ड एग्स के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पर अंडे बन रहे हैं, सब लोग है, और बस खाते पानी भरते और फिर निकले यहाँ से। हे बारी गाइस, लुक एट दिस वास्ट स्पेस, हमें यहाँ चढ़ के उस पहाड़ में चढ़ना है, उस पहाड़ को उधर से क्रॉस करना है, इस जगह पूरा चेक करें। एंड जब
एज आई सेड बिफोर, जब हम लास्ट टाइम आए थे तो उन्होंने उस तरह कैंपिंग करा था। अगर जितने भी शीशा बॉयज थे है ना, अशर बिया जेफ एंड ऑल, जब लास्ट टाइम आए थे तो इफ यू रिमेंबर हम उसी ट्रेल से गए थे, वहाँ पर हमने कैंपिंग करा था जो पर वो मैडो है बुग्याल। फिर वहाँ से एक रास्ता नीचे आएगा जहाँ से वुडन ब्रिज है, वहाँ से क्रॉस करके फिर इसी ट्रेल में आ जाएंगे यहाँ पर सब लोग। वो लोग प्लेस बहुत ही ज़्यादा मस्त है। चलो फिलहाल यहीं पर चलते हैं और धीरे धीरे करके कवर करते हैं। हाँ भाई यार, तुम छोड़ देगा मैं मुझे बाय। ओह यार, हम कितने दूर से बस हम चल रहे इस पहाड़ की, मतलब पहाड़ की तरफ था जहाँ से अब ये पहाड़ दिख रहा है उससे भी आगे बिल्कुल, मतलब वहाँ से हम चल रहे और बिल्कुल ये है यहाँ तो बिल्कुल चढ़ाई 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 पूरा ऊपर तक चढ़ाई है। इस पहाड़ को क्रॉस करना है, दूसरे पहाड़ में आना है एंड वो कैंपिंग प्लेस है नदी के उस पर, वो वाला माउंटेन में, वहाँ पर ये बहुत प्यारा जगह है। बाकी दोस्त लोग नीचे ही है बाकी ट्रैकर्स के साथ जो दूसरी टीम है कुछ। तो मैं आप थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। गाइस जब तक सब लोग आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट लिया है, यहाँ पर ऑलरेडी ट्रकर्स है, बैंडेड लगा, बैंडेड है यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा, वो बैंडेड ही लगा अच्छी तरह से वॉश करके बैंडेड लगा। और जो मेरे साथी है वो लोग अभी आ ही रहे तो बस वेट करते निकले, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम आए उस वाले ट्रेल से, हम चलते चलते आए जो दूसरी ग्रुप है, आप अगर यहाँ से दिख रहा होगा आपको तो वो जा रही है दूसरी ट्रिप, दूसरी ग्रुप वो जा रही है यहाँ से एंड ये पूरा रास्ता यहाँ से उधर इस तरफ जा रहा है एंड हम लोग जाएंगे इस ट्रेल से, जाएंगे हम लोग उस तरफ। बाकी ये चेक करें आप कितना शानदार सा जगह है। तो फिलहाल हमने वहाँ पर उस तरफ ब्रेक ले रखा है, थोड़ा सा बस कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, थोड़ा पीते खाते पीते हल्के से आराम करेंगे और फिर निकलेंगे। लोग आ रहे हैं और मैं जल्दी चढ़िया, एक तो सामान है इतना भारी है, ऊपर से एडिशनल चीज़ें कैरी कर रखी मैंने, इसमें टंगा रखा मैंने कपड़े वपड़े के साथ, खाना पीना बॉटल्स सब जो मैंने अपने बैग में डाल रखा है। बाकी सब आ रहे हैं यहाँ से। गाइस अगर आपको दिख रहा होगा तो उस ट्रेल से भी ट्रैकर्स जा रहे हैं एंड जब मैं 2009 में आया था इस ट्रैक में है ना, व्हेन आई वाज इन शिष्या स्कूल, तो हम बॉयज़ आए थे एंड कुछ फॉरेनर्स भी थे साथ में हमारे, जो हमारे स्कूल में वॉलंटियर्स थे, तो तब हम उसी ट्रेल से, जो वाला ट्रेल है हम उसी से गए थे। बट इस बार जो है, इस बार हम पूरा ऊपर चढ़े, गाँव में रुके और कैंपिंग हमने वहाँ पर नीचे नहीं करा, गाँव में रुके हम यहाँ पर, तो गांव के थ्रू ही हम इधर इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। बट ये भी रास्ता इतना डिफिकल्ट नहीं है, सही है। हाँ स्टार्टिंग में जब तक गांव नहीं चढ़े थे हम ओसला विलेज, तब तक ये था कि हाँ बहुत ज़्यादा चढ़ाई था है ना, कुछ कुछ जगह में बहुत ज़्यादा स्टीप था, बट ये हाँ सही है, धीरे धीरे चल रहे, आराम से चल रहे। बट ये है कि
वो वाला रास्ता मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब वो पूरा रिवर के साइड साइड में ही है ना, वो व्यू देखो बैंक का नीचे ना, बहुत ही प्यारा। सो गाइस फाइनली कैंप आ गया है हमारा हकीदून का, आगे दिखाता हूँ आपको। यार यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, ये चेक करें आप, एक मिनट को ये चेक करो। एंड इन पहाड़ के थोड़े से पीछे की तरफ वो कैंप है वहाँ पर, है ना, कितना सुंदर ट्रैक है यार ये, बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया। थोड़ा सा ट्रैक्स में होता है थोड़ा दिक्कत तो होता ही है ना, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू क्विट, है ना। चलते रहो धीरे धीरे चलते रहो, एक कदम लो सांस लो, चलते रहो आराम से, हो जाएगा पूरा कवर। और आगे मौसम ख़राब हो रखा है, यहाँ तो धूप आ रहा है बट आगे ख़राब हो रखा है, एंड साथ में ऊपर पूरा स्नो है। तो द लास्ट टाइम मैं 2009 में आया था, मैं बहुत बार मैंने काफ़ी बार बताया था कि मैं ऑलरेडी इस ट्रैक पर रखा हूँ। तो जब लास्ट टाइम मैं आया था तो हमारे हरकीदून ट्रैक पर, मतलब हरकीदून जो हमारा लास्ट कैंप था, वहाँ पर स्नोफॉल भी हुआ था, है ना। तो इस बार भी मतलब आगे पूरा पहाड़ तो स्नो से भरी रखे, तो नॉट श्योर स्नोफॉल हुआ कि नहीं, बट अगर बारिश आते रहा तो शायद ये भी सकता है कि स्नोफॉल हो जाए, होता है तो और भी अच्छा मज़ा आ जाएगा। जून के महीने में हम ट्रैक में निकले और जून के महीने में स्नोफॉल लाइव हम देखेंगे, है ना। यहाँ पर स्नो तो भर रखे है, वो तो खैर देखते रहते हैं, बट लाइव स्नोफॉल विटनेस करना एक अलग ही बात है। दो आई हैव विटनेस्ड लाइव स्नोफॉल टन्स ऑफ टाइम्स, है ना, रिसेंटली कश्मीर पर भी था मैं, एक हफ्ते के ट्रिप में गया था, तो फिर वहाँ पर भी स्नोफॉल हुआ था। बाकी काफ़ी जगह यहाँ पर भी हरकीदून में लास्ट टाइम हुआ था। मसूरी तो कॉमन है, मसूरी धुनौल्टी में तो जाते रहते, देहरादून के है हम, तो फिर यू नो इट्स वेरी कॉमन फॉर अस टू विजिट मसूरी एंड धुनौल्टी एंड ऑल दीज प्लेसेस, नियर बाई प्लेसेस चक्राता एंड ऑल, है ना। बाकी ये बहुत बोल गया, थोड़ा एनर्जी सेव करता हूँ, पहुँचते आगे मिलते हैं आपसे जल्दी। एंड गाइज मेक श्योर कि जब भी आप इस तरह के ट्रैक में आते हैं तो रेनकोट तो आपको लेके आना ही है, क्योंकि है ना बारिश कभी भी हो जाता है यहाँ पर, एज इन बारिश प्रॉपर ना भी हो ना तो ड्रिजलिंग होते रहता है। जैसे अभी इससे पहले ड्रिजलिंग होता, अभी थोड़ा सा रुका, अब दोबारा से फिर से शुरू हो गया, हल्का बूंदे बूंदे पड़ने लग गए, है ना। एंड विंड सीटर, एक वार्म फ्लीस, रेनकोट, छोटा अम्ब्रेला है तो वो भी अच्छी बात है ना। तो ये कि अम्ब्रेला साइड बैग में रखे रहो, साइड में, साइड चेन में, और जब भी बारिश आए तो ओढ़ लो, निकाल लो उसे, है ना। बाकी यहाँ से एक्चुअली जो मैंने कैंप बताया था वो हरकीदून नहीं था, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर और आगे बोल रहे हैं ना, यहाँ से है तो फिर आगे की तरफ एक झरना है और वहाँ पर एक टी पॉइंट है, तो मैं चलता हूँ वहाँ पर। बाकी दोस्त लोग वहाँ पर आ रहे हैं आराम आराम से, मैं टी पॉइंट पर चलता हूँ, वहाँ पर वेट करता हूँ इनके लिए। पानी के हम टी पॉइंट पर आए, और यहाँ पर क्लासिस गाइस, चाय अंकल जी ने हमारे लिए चाय बनाया, रोटी सुबह की रोटी, और ये मुंडवा ना, मुंडवा बोलते ना, मुंडवा की सब्जी। बाकी अंडा और मैगी के लिए भी हमने बोल रखा है, बालों की रोटी वगैरह खाते हैं, चाय पीते हैं और थोड़ा आराम करते हैं निकले से। गाइस मैंने 3 रोटी खाया, चाय, और पहले चले जाते हैं, रेनकोट भी मैंने बाहर निकाल दिया है। हाँ तो मैं ये करता, अभी हम यहाँ रुके, हमें चाय, अंडा, मैगी, नहीं हाँ चाय अंडा मैगी ऑर्डर करा था, 1 रोटी मैंने मंडवा की सब्जी के साथ खाया और 2 रोटी मैंने मैगी के साथ खाया, इतनी भूख लग रही थी भाई। हाँ पेट फुल हो चुका है, अभी यहाँ से भी मतलब कह रहे 4 मैक्सिमम इतना किलोमीटर से बचा है, तो चलते आराम आराम से और पहुँचते हैं अपनी लोकेशन में। माय बैड, वो मंडवा की रोटी थी, कंडाली की साग थी, कोई नहीं आगे से ले लेना अब। चलो तो ये चक्कर, अब कुछ कैंप्स उधर लगे, कुछ कैंप्स उधर लगे, है ना, यहाँ से
फिर ऊपर से ये जो ग्लेशियर का पानी आ रहा है स्नो का, वो पूरा झरने बन रखे ढेर सारे, बहुत ही सुंदर है। और मतलब ये जगह इतना सुंदर है, लिटरली व्लॉग में आपको यहाँ के सुंदरता का इतना पता नहीं चल पा रहा होगा, बट ऑनेस्टली जब आप लाइव विटनेस करोगे इन जगहों के ना यार, एक होता है ना एक अंदर से पीस वाला जो फीलिंग आती है, एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है ना। एंड मम्मी अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली गाइज व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं कहीं जाता हूँ, मैं यूजली पहाड़ में आता हूँ, एंड माई मॉम शी इज़ लाइक हमेशा पहाड़ में जाते रहता है ना, वहाँ पर इतना चलता है ना, सांसें फूलती रहती है, ये वो करके है ना, शी कंप्लेन्स अ लॉट, बेसिकली शी केयर्स, वो बहुत ज़्यादा केयर करती है, तभी उन्हें लगता है कि ये मतलब पहाड़ में आना बहुत डेंजर है। बट फॉर मी मोर देन प्लेन्स आई लव दीज माउंटेन प्लेसेस, एंड यही एक है कि मतलब यू नो चाहे वो एक्सट्रीम हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो कैसा भी ट्रैक हो है ना, एक पीस एक सेटिस्फेक्शन से मिलता है। तो यप यही चीज़ है। एंड जब यू नो जब लाइव विटनेस करते देखते बहुत ही सुकून सा मिलता है, उतना व्लॉग में दिख रहा को नहीं दिख रहा पता नहीं है ना, बट ये कि जब आप खुद आओगे लाइव विटनेस करोगे तो आपको ऑनेस्टली बहुत मज़ा आएगा। गाइस थकान बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाँ अभी मैं थोड़ा सा पत्थर के ऊपर ऐसे थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, बाकी लोग बाकी मेरे जो साथ वाले हैं सारे नीचे की तरफ उनके लिए वेट कर रहा हूँ मैं। और बट रेस्ट करते समय कितना सुकून सा मिल रहा है, पैरों को आराम मिल रहा है, पीठ कंधा बैग टांग के ना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा सा और है मेन हरकीदुन जहाँ पर जो कैंप है वहाँ तक पहुँचने के लिए, बट एक ही एक भाई है अनुराग भाई, उनका थोड़ा सा पैर में दिक्कत हो रहा है ना, उनके घुटने में दिक्कत है तो वो चल नहीं पा रहे, बहुत दर्द हो रहा है उनको, तो थोड़ा उनका पेस कवर करने के लिए मतलब हम भी हल्के हल्के चल रहे हैं, वेट कर रहे हैं, थोड़ा चल रहे हैं वेट कर रहे हैं। तो गाइस क्या आप में से किसी ने हरकीदुन को ट्रैक करा है तो कब करा है कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर है ना, आपको कुछ डाउट्स है क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा इंस्टाग्राम का, तो आप मुझे वहाँ पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं पक्का से तुम्हें रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अब फाइनली जाके हम हरकीदुन मेन जो कैंप है हमारा उधर पहुंचने वाले, लेस देन अ किलोमीटर बचा है, मे बी फ्यू हंड्रेड मीटर्स, बाकी अभी कुछ फ्रेंड्स नीचे है, एक भाई आगे आ गया है साथ में हम आए, और तो उनका वेट करता हूँ। गाइस फाइनली हरकीदुन पहुंच गए हम, कैन सी दैट वो थोड़े बहुत घर बन रखे है ना, एंड लुक एट दीज ह्यूज माउंटेन्स, इसमें तो बर्फ़ है ही, इसके पीछे जो है वो पूरा ऑलमोस्ट बर्फ़ से भर रखा है, उधर वाला जितने वाइट से आपको दिख रहा है ना वो पूरा बर्फ़ से भर रखा है वो पहाड़ है ना, सामने वाले में तो है पूरा, इसके पीछे वाला जो भी है ना वो तो पूरा ज़्यादा ही भर रखा है। और ये जगह चेक करो यार, मतलब कितना सुंदर है यार। तो चलो मैं तो पहुँचता हूँ आगे, कुछ फ़ोटोज़ रील्स है ना, एंड हाँ मैंने बहुत सारा कंटेंट रील्स के निकाल रखे हैं, फ़ोटोज़ से निकाल रखे हैं, कुछ रील्स के ऐसे भी निकाल रखे हैं जहाँ पर मैंने व्लॉगिंग नहीं कर रखा है, वहाँ पर मैंने रील्स के शॉर्ट निकाल रखे। तो इफ़ यू गाइस वांट टू कनेक्ट विद मी है ना, एंड देखना चाहते हो रील्स एंड ऑल पोस्ट एंड ऑल जो भी पिक्चर्स वगैरह है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा। यार ये चेक करो यार, बहुत ही सुंदर, तो गाइस फाइनली हम हरकीदुन पहुंच गए,
और मेरे साथ भाई है यूपी के। कैसा लग रहा है भाई यहाँ पर? बहुत बढ़िया। और भाई अभी कुछ कह रहे थे पानी में नदी में मुंडी डुबकाने का, मतलब कि फेस को पानी में बिल्कुल करेंगे, तो हमने प्लान करा कि हम ये भी करेंगे। ये और ये चीज करने देखने के लिए आपको इनका इंस्टाग्राम भी फॉलो करना पड़ेगा। चलो ये बस हम इधर पहुंच गए, आगे जो दिख रहा है। एंड ये जगह है ना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बियॉन्ड वर्ड्स। अभी चलते बैग वैग रखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हल्के फुल्के खाएंगे। और यहाँ पर एक ताल है और एक ग्लेशियर भी है, तो हम सोच रहे हैं कि उससे भी थोड़ा देख के आ जाए, है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उस जब यहाँ पर आए रखे तो थोड़ा उसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो फटाफट चलते वहाँ पर, सामान रखते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर निकलते आगे। तो गाइज हम है हरकीदून पर। हरकीदून का जो मेन स्टॉपेज है हम वहाँ पर है, और यहाँ पर कैंपिंग कोपिंग अलाउड है नहीं। एंड जहाँ पर अभी हम स्टे कर रहे हैं वो आप चेक करें, तो ये प्लेस है और इस घर में हम स्टे कर रहे हैं। ये भाई सबसे पहले पहुँचे थे यहाँ पर। बाकी जो यहाँ से वो अपने होकर शॉर्ट्स देख लेते हैं अपने। और ये चेक करो, यहाँ से आगे ग्लेशियर शुरू होता है, इस तरफ मरिंदा ताल करके कुछ है, इस तरफ जाना है हमें, है ना। और यहाँ पर आगे ग्लेशियर है, कुछ कहते हैं जो पांडव लोग ने चलना शुरू करा था वो यहीं से है, थर्ड सेकंड फर्स्ट करके पीक करके कुछ है यहीं से। कुछ एक पास भी है जो गंगोत्री तक यहाँ से जाता है, आई एम नॉट श्योर कौन सा है वो। तो फिलहाल तो गाइज हम अभी बस आगे थे, 5-10 मिनट हो चुका है। बैग सामान जो भी हमारा सामान था वो हमने यहाँ पर रख दिया रूम पर। थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ा सा खाएंगे पियेंगे मैगी मूगी, थोड़ा खाएंगे चाय पियेंगे और फिर थोड़ा सा हम आसपास यहाँ पर घूमेंगे, है ना। तो कल यूजली क्या होता है, कम से कम 4 दिन लोगों को लगता है यहाँ पर आने के लिए, 3 से 4 दिन तो लगता ही है। 6 से 7 दिन के ट्रैक होता है ये। हमने 2 दिन के अंदर ही हम टॉप तक आ गए, मतलब चलने के लिए बहुत लेंदी था, थोड़ी सी आफत भी लगी थी, थकान भी हुई थी, बट कोई नहीं, हो गया। एट द एंड हम पहुँच ही गए यहाँ पर, और हम राउंड अबाउट 5 PM के आसपास हम यहाँ पर पहुँच गए। हमने शुरू करा था 8:30 या 9 बजे के आसपास सुबह हमने शुरू करा था, और हम 5 बजे तक पहुँच गए यहाँ पर ओसला विलेज से। मतलब ज़्यादा भी नहीं है बट इतना छोटा भी नहीं है डिस्टेंस, है ना। बट ये था कि हम आराम से आए, बहुत आराम से आए, है ना, फोटोज क्लिक करते हैं, रील रूल बनाते हुए आए। तो यह मेन ट्रैक का यही चीज़ होता है कि इन्जॉयमेंट का होता है कि रास्ते को इन्जॉय करना पड़ता है। बाकी तो अभी हम यहाँ का व्यू इन्जॉय करेंगे, रील्स बनाएंगे, फोटोज क्लिक करेंगे ढेर सारा, और आपसे मिलेंगे जल्दी से।